तो दोस्तों आज हो चुका है 1 अगस्त, और 1 अगस्त का मतलब यहाँ पे ऑफर्स होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक क्रेडिट में। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेहतरीन ऑफर आ जा रहा है आपका अमेज़न की तरफ से आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एयरटेल की तरफ से भी कुछ ऑफर्स हैं रिचार्ज के लिए, और यहाँ पे आपको पेटीएम के तरफ से भी एक ऑफर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग अमेज़न की बात कर लेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन ऑफर आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे गेट डेली रिवार्ड 500 रुपये वाला एक आया हुआ है, जहाँ पे कि आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, आपको कंप्लीट करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले आपको इसमें से कौन करना है, तब आपको ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर मिल जा रहा है, जैसे स्कैन एंड पे जो 1 रुपये हम लोग करते थे, और सेंड मनी अप टू 100 रुपीज़ वाला अभी भी 31 यहाँ पे अगस्त तक आपको जारी रखा गया है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों पहले आपको नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और आ जाता है बिल पेमेंट, जहाँ पे कि आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐड मनी पे आपको 100 रुपये तक का रिवार्ड मिल जाएगा। और रिवार्ड से यहाँ पे आपको शॉपिंग में थोड़ा डिटेल में मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी UPI वाला फिर से ऑफर आ चुका है। यहाँ पे आपको या तो मोबाइल रिचार्ज कर लेना है, या फिर आप चाहे तो DTH रिचार्ज कर सकते हैं। कोई एक ऑफर आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों 50 रुपये का रिचार्ज करो और 50 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा अभी 50 रुपये कैशबैक मैंने रिसीव कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो रिवार्ड यहाँ पे ऑफर आया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो हम लोग टास्क करते थे डेली स्कैन एंड पे, और उसके बाद हम लोग सेंड मनी करते थे 1-1 रुपये का, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऐड मनी का ऑफर आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि डेली 1 रुपये का ऐड मनी कर लेना है। तो 1 रुपये ऐड मनी करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको कोई ना कोई ऑफर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कभी स्विगी मिल सकता है। तो मैंने जैसे कि ऐड मनी किया था तो यहाँ पे मुझे स्विगी का ऑफर मिला था, वैसे ही आपको यहाँ पे ये वाला स्विगी का कुछ इस तरह का मुझे ऑफर मिला हुआ था। और जैसे अगर आपको पूरे अगस्त तक ये अभी करते हो ऐड मनी 1-1 रुपये, तो आपको 31 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, और यहाँ पे हर दिन एक रिवार्ड ओपन हो जाएगा। और शॉपिंग में भी दोस्तों ऐसा ही है, आपको जब भी शॉपिंग करोगे यहाँ पे आपको 100 रुपये का कोई ना कोई रिवार्ड ऑफर ओपन हो जाएगा। उसमें हो सकता है दोस्तों फूड वाला यहाँ पे कोई ऑफर आ जाए, या फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस वाले से आ जाए, या फिर ट्रेवल से आ जाए, या फिर दोस्तों ऐड मनी और रिचार्ज का भी ऑफर आ सकता है। तो दोस्तों यही है ऐड मनी ऑफर, यहाँ पे आपको ऐड मनी समझ सकते हो 1 रुपये का करना है, ज़्यादा का करना भी नहीं है। और दोस्तों मोबाइल यहाँ पे पे बिल की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे 50 रुपये का अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पे 100% कैशबैक मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप पेमेंट करते हो बिल पेमेंट का तो आपको 50 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। वैसे ही दोस्तों शॉपिंग में भी अगर आप शॉपिंग करोगे, जब भी आप हर दिन एक शॉपिंग पे आपको 100 रुपये का एक मैक्सिमम 100 रुपये है, यहाँ पे मैक्सिमम 100 रुपये तक का आपको एक ऑफर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर दिखाना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, तब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक ऑफर अनलॉक हुआ है, कुछ इस तरह का ही ऑफर आपको भी अनलॉक हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ पे एक टास्क और ऐड कर लेना है, जो कि आपको 1 रुपये पर डे ऐड कर लेना है आपको अमेज़न पे में, ज़्यादा ऐड भी नहीं करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के, जहाँ पे कि रिचार्ज का ऑफर आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इस बार अभी तक यहाँ पे मुझे जियो का रिचार्ज ऑफर देखने को मिल नहीं रहा है अमेज़न पे, तो हम लोग यहाँ पे एयरटेल की बात कर लेते हैं। तो एयरटेल का ऑफर यहाँ पे देख सकते हो 40 रुपये का कैशबैक, 249, 279, 598 और 698 का अगर रिचार्ज करते हो एयरटेल का ही, तब ही आपको 40 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक से। और अगर 20 रुपये का कैशबैक चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे 149, 179 और 219 रुपये का अगर रिचार्ज करते हो एयरटेल पेमेंट बैंक से एयरटेल मोबाइल का, तब आपको 20 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है पेटीएम, पेटीएम में भी एक ऑफर आ रहा है, तो चलिए वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेटीएम का ऑफर आ जा रहा है 1,000 रुपये तक का कैशबैक। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 50-50 रुपये करके आपको UPI से पेमेंट करना है, और यहाँ पे पेमेंट कहाँ करना है दोस्तों ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 पेमेंट करने हैं 50 या उससे ज़्यादा का, और ये 31 अगस्त यानी पूरे अगस्त के बीच में ही आपको यह 5 पेमेंट कर लेना है। अब दोस्तों अलग अलग 5 UPI ID पे ये आपको पैसा सेंड करना है 50-50 रुपये, तो हो सकता है आप कर लोगे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अगर आप सेकेंड पेमेंट करोगे तो आपको 250 रुपये का एक स्क्रैच कार्ड ओपन होगा, थर्ड पेमेंट करोगे तो आपको एक स्टिकर मिल जाएगा, फोर्थ पेमेंट पे सेम आपको 250 रुपये का अगेन स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, और उसको फिर यहाँ पे फिफ्थ पेमेंट जैसे ही आप अगर करते हो फिर से स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको मैक्सिमम 500 रुपये तक का वहाँ पे स्क्रैच कार्ड के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों एक दिन में आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें यही है कि एक दिन में एक ही स्क्रैच कार्ड आप जीत सकते हो। 5 UPI अलग अलग UPI पे आपको पेमेंट सेंड करना है, और जो आपको स्क्रैच कार्ड दोस्तों मिलेगा उसको 7 दिन के अंदर ही स्क्रैच कर लेना है, नहीं तो आपका स्क्रैच कार्ड एक्सपायर भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये है ऑफ़र आपका पेटीएम की तरफ से। इसमें एक और ऑफ़र चल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आपको 2000 रुपये तक का कैशबैक मिल जा रहा है, लेकिन इसको मैं बोलूँगा कि आप लोग मत करना, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा है और जो यहाँ पे चार्ज लगाया जा रहा है वो 1.5% है। तो कैशबैक मिले ना मिले लेकिन पैसा आपका जरूर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इस ऑफर को शायद आप ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो वीडियो को करते हैं एंड। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।